मेरा बेटा तो लाखों में एक है, बस इसी डायलॉग ने, या तो ये डायलॉग हमारे मम्मी या पापा से आया है या तो किसी के गुरु से आया है, इसी डायलॉग ने हमारी बैंड बजा के रख दी थी पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। अगर आपने एजुकेशन किया है तो ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा बेटा लाखों में एक है। ये सीरीज बस इसी डायलॉग के इर्द गिर्द, लाखों में एक क्रिएटेड बाय बिश्वा कल्याण, जो कि एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है, और Amazon प्राइम पे इस सीरीज को अपलोड किया गया है और 6 एपिसोड्स है इसके। ये आपको फ्री में अवेलेबल है। फ्री की चीज कोई नहीं देखता, ये बहुत ही गलत करते हैं हम। ये एक जेम है, एक बहुत बड़े ओशन का जेम है ये। लाखों में एक शुरुआत करते हैं आकाश गुप्ता से। आकाश गुप्ता जो कि लाखों में एक पर्सन है जिसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज घूमती है, उसके अंदर एक टैलेंट है, वो वॉइस मॉड्यूलेट कर सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है, वो शाहरुख हो, सलमान हो, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, अपने फ्रेंड्स को बोलता है सब्सक्राइब करने, उसके फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करते हैं। एकदम से वो घर पे भागते हुए जाता है, उसके पापा का कॉल आता है और उसकी मम्मी बोलती है मेरा बेटा तो लाखों में एक है, और यही सेंटेंस के आगे, यही डायलॉग के आगे, बेटा तेरा IIT के क्लासेस में नंबर लग चुका है, तू वो क्लासेस जाएगा, फिर तू IIT करेगा। वो अपने डैड को बहुत समझाता है, नहीं पापा नहीं जाना है वगैरह वगैरह, बट उसके पापा है, हम सबके पापा, उसके पापा, ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन के पापा भेज ही देते हैं। वो पर्सन जाता है क्लासेस के अंदर, जीनियस कोचिंग क्लासेस, जो कि IIT के एक फैक्ट्री की तरह ही प्रोड्यूस करते हैं बच्चे IIT के लिए, और सच में वो एक फैक्ट्री की तरह ही रहती है, पागलों की तरह बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वहां पे। वहां पे अलग अलग कैटेगरीज रहती है A, B, C, D, और बिकॉज आकाश गुप्ता को बहुत कम मार्क्स आए रहते हैं तो वो जाते हैं सबसे लोएस्ट कैटेगरी में। हम में से बहुत से लोग इस स्टोरी को अपने आप से रिलेट करेंगे डेफिनेटली। अगर आपने एजुकेशन लिया है इंडिया के अंदर तो ये सीरीज आपको देखनी ही चाहिए। ऐसा क्या है इस सीरीज के अंदर? इस सीरीज के अंदर बहुत ही बढ़िया मैसेज है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, कि अपने पेरेंट्स और उन्हें किस तरह से समझाया जाए, या एक पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है कि किस तरह से अपने बच्चों को समझाया जाए। और अगर कल हो के अगर आप भी कोई पेरेंट्स बन जाते हैं तो कहीं वही स्टोरी रिपीट ना हो जाए, इसीलिए ये सीरीज देखनी बनती है। इस सीरीज को देखने के पीछे इसका रीजन है इसकी आइडियोलॉजी, और इस आइडियोलॉजी विश्वा कल्याण ने एक बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्यों ये सीरीज देखनी चाहिए? पॉजिटिविटी। इस सीरीज के अंदर जैसे हम हमारे दोस्तों के साथ कोई एक अड्डा होता था हमारा, या फिर कोई टेरेस होता था, या फिर कहीं झाड़ के नीचे कोई ना कोई एक जगह होती थी हमारी, कि भाई ये हमारी 4x4 की जगह है, इसमें हम 2 से 3 से 5 दोस्त आते हैं, अपने अपने कमेंट्स पास करते हैं, ये वो, और फिर ऐसे ही करते करते हम हमारा टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोगों के लाइफ में भी जरूर ऐसा कोई अड्डा रहेगा ही रहेगा। और मुझे याद आ गया मेरा हॉस्टल, जब मैं मेरे अड्डे पे जाया करता था, हमारा टेरेस अड्डा हुआ करता था, हम वहां पे मैगी खाते थे, हम वहां पे जो भी हम घर से फरसान लेके आए या जो भी लड्डू चिवड़ा ये वो सब मिलके खाया करते थे और मजा आ जाती थी। आप लोगों को इसके अंदर ऐसी ही मजा आने वाली है, या तो आपकी पुराने यादें ताजा हो जाएगी, या तो आप खुद अपने आप को वहां देखोगे और बोलेगी यार ये तो सब मैं भी करता हूँ, ये तो सब मेरे साथ भी होता है। तो ऐसे ही रोलर कोस्टर राइड के साथ ये पूरी की पूरी सीरीज है। पुरानी यादों को ताजा करना है एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल। लाखों में एक इस सीरीज ने हमें डेफिनेटली ये फील कराया है कि कैसा फील होता है जब आप ऐसे किसी फैक्ट्री के अंदर फंस जाते हैं जिसके अंदर आपको काम नहीं करना है, आपको नहीं पसंद, और आपको ये भी पता है कि ये काम आपसे नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको ये काम करते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक काम खत्म ना हो जाए, चाहे उसके लिए 1 साल चला जाए, 2 साल चला जाए, 3 साल चला जाए। और आपके साथ ही में ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो देख के आपको ऐसा लगता है कि यार इनसे तो हो ही नहीं पा रहा है, मेरे से कैसा होगा, लेकिन फिर भी वो काम करना है आपको। ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम कुछ है थोड़ा थोड़ा हमारा। तो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं आकाश के लाइफ में,
कभी वो जीतता है कभी वो हारता है, फिर वो जीतता है वो हारता है, तो ये सारी चीजें आकाश के साथ होती रहती है जिससे हम बहुत ही अच्छी तरह से खुद से रिलेट कर पाते हैं। आकाश चीटिंग भी करता है, आकाश चीटिंग नहीं करता है, आकाश ईमानदार भी रहता है, आकाश बेईमान भी रहता है। तो दोनों ही फेजेस के अंदर आकाश के साथ क्या क्या होता है वो हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इस सीरीज की अच्छी लगी वो है इसके कैरेक्टर्स, एक बकरी और ऐसे कई सारे कैरेक्टर। बकरी कभी ये नाम सोचा भी नहीं था कि किसी को बुला भी सकते हैं, बट हम हमारे हॉस्टल्स में, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसे ही कैरेक्टर्स से हम किसी को भी बुलाया करते थे। सर्किट होता था, मुन्ना भाई होता था, यहां वहां से नाम उठा के हम उसको एक लेजेंड बना देते थे उस कैरेक्टर को। तो ऐसे ही लॉयल और ऑनेस्ट कैरेक्टर्स इस सीरीज में आपको देखने मिलेंगे, जो कि बेईमान होंगे, फ्रॉड होंगे, लेकिन अगर उनकी दोस्ती आपसे हो गई तो वो हमेशा आपसे लॉयल रहेंगे। ऐसे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो थोड़े बिची है, थोड़े नेगेटिव है, थोड़ा भी किसी ने कॉपी किया तो तुरंत टीचर्स को कंप्लेन कर देगी, और टीचर देखो देखो कॉपी कर रहा है ये वो, या फिर पीछे से जाके बोल देंगे। आप स्कूल में था ना ऐसा? आई नो ना, ये ऑलमोस्ट आगे के रोज में बेंचेस में मोस्टली हाईलाइटेड रहते हैं, क्योंकि टीचर के थोड़े लाडले भी होते हैं, टीचर को भी अंदर की बातें पता चलने लगती। ऐसे कई सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव कैरेक्टर के साथ ये सीरीज एक पैकेज की तरह बनाई हुई है। मुझे इस सीरीज के बारे में कुछ चीजें पसंद नहीं आई हैं मेरे लेवल पे, और वो है कि जैसे जैसे एपिसोड्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लिया जाता है कुछ कैरेक्टर्स को बिल्डअप करने के लिए, कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, विच इज नेसेसरी, बट एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ तो चेंज लाइए, अब थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, थोड़ा तो मेरा एड्रेनालिन रश बढ़े। तो ये एक्सपेक्टेशन हमेशा होते ही रहते हैं इस सीरीज के साथ एंडिंग में, बट जो एंडिंग इस सीजन की इन्होंने की है, फर्स्ट सीजन की, आई विश कि ये फर्स्ट सीजन हो, सेकेंड सीजन आए इसका, बट एंडिंग जेन्युइनली बहुत ही बेहतरीन। तो आते हैं सीरीज के कंक्लूजन पे। नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर से भरपूर ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसमें इविल है, जिसमें हीरोज है, ऐसे भरे हुए है इस सीरीज के अंदर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को एक ट्राई तो देना बनता ही है। एक बहुत ही सही कैरेक्टर्स, एक बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी इस सीरीज के अंदर है। हमारी पुरानी यादें भी ताजा होने वाली है, और जैसा मैंने आपको पहले कहा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर ले रहे हैं तो ये सीरीज आपको देखना बिल्कुल बनता है। प्लीज ट्रस्ट मी, वॉच दिस सीरीज विथ योर। थैनोस का ट्रेलर बाहर आ गया, एवेंजर एंड गेम्स, हमारे मार्वल की हीरोज ऐसा धोने वाले है ना, उसको ऐसा धोने वाले है ना कि बहुत मजा आने वाला है। वो मरे या नहीं मरे, पर जो धोएंगे ना हमारे सारे एवेंजर्स मिलके उसको, मजा आ जाएगा। वेट एंड वॉच।